लेकर आई हूँ जिससे आप घर बैठे फेयर ग्लोई और पिंकिश स्किन पा सकते हैं। इस मास्क के और भी बहुत बेनिफिट हैं, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं इस मास्क के आपको और भी बेनिफिट शेयर करूंगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मास्क के लिए हमें चाहिए रोज पेटल्स, लेमन, योगर्ट एंड हनी। मैं इन सारी चीज़ों को एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही यूज़ किया है और 2 रोज़ेस के पेटल्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। अगर आपके पास फ्रेश पेटल्स नहीं हैं तो आप ड्राई पेटल्स मार्केट से लेके भी यूज़ कर सकते हैं इसका पाउडर बना के। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हनी यूज़ किया है और 1/2 चम्मच मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ। लेमन बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लेमन स्किप कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है। इसको हम अब अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पे ब्लेंड हो गया है, देखें एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे और हमारा मास्क रेडी है लगाने के लिए। मैंने पानी से फेस वॉश कर लिया है, अब मैं यहाँ पे फेस मास्क लगाऊंगी। इस फेस मास्क को हम पूरे फेस पे लगाएंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे कॉटन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स रिच इन विटामिन सी होते हैं। रोज़ पेटल हमारी स्किन में सनब्लॉक का काम करता है और रोज़ पेटल्स में एंटी बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारी स्किन के बैक्टीरिया से फाइट करता है और हमारी एक्नी और हमारे पिंपल्स को रिड्यूस करता है एंड हमारे डार्क सर्कल्स को भी कम करता है। फिर दूसरा हमने यूज़ किया है दही। दही हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को बैलेंस रखता है। और अगर हमारी स्किन को एक अच्छा सा बूस्ट चाहिए और हमारी स्किन बिल्कुल डल है तो योगर्ट उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। योगर्ट हमारी एक्नी से फाइट करता है, बैक्टीरिया से फाइट करता है। योगर्ट जो है वो हमारी स्किन के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। थर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है हनी। हनी के अंदर एंटी एजेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को टाइट करता है और हमारी स्किन को लाइट टोन देता है। हनी के अंदर एंटी बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो हमारी स्किन के बैक्टीरिया से फाइट करता है और हमारी स्किन के इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। हनी हमारे स्किन सेल्स की स्पीड बढ़ाता है। ये मैंने फेस मास्क लगा लिया है, इसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको एक और लेयर देंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, मेरा मास्क थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब हम इस पर एक और लेयर देंगे मास्क की, प्रॉपर पूरे फेस पे कवर करेंगे इससे। उसके बाद हम इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि ये प्रॉपर ड्राई हो जाए। इस मास्क को हफ्ते में 3 बार लगाएं, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा गाइज़। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ों के बेनिफिट्स बताए वो जब सब साथ में मिल जाते हैं तो हमारी स्किन को एक अच्छा सा बूस्ट मिल जाता है। गाइस 15 मिनट हो गए हैं, मेरा मास्क प्रॉपर ड्राई हो गया है। अब हम अपने हाथों में पानी लेके और इसको आराम से हल्के हाथों से मसाज करेंगे। हमें 5 से 6 मिनट के लिए मसाज करनी है पूरे फेस पे और मसाज करने के बाद हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। हमें इसको बिल्कुल हल्के हाथ से ही मसाज देना है, हमें बिल्कुल रब नहीं करना। मैंने आपको वीडियो फास्ट करके दिखाई है पर मैंने इसको प्रॉपर आराम से मसाज दी है। 5 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद मैं अब इस मास्क को रिमूव कर रही हूँ। गाइज़ ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हमें इस मास्क को ठंडे पानी से ही वॉश करना है। मैंने इस मास्क को अच्छे से उतार दिया है। आप रिजल्ट्स देखें, मैंने मास्क रिमूव किया है, मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। मैंने कोई टिंट यूज़ नहीं किया यहाँ पे, मेरी स्किन नेचुरल ही पिंक हो रही है इस मास्क की वजह से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये आपकी डल स्किन को एक अच्छा सा बूस्ट देगा। सो गाइज आप लोगों ने वीडियो देखी, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस मास्क को जरूर ट्राई करिएगा। और आपको इस मास्क के अगर अच्छे बेनिफिट चाहिए, अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसको वीक में 2 से 3 बार यूज करें।
आपको इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो गाइज, अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी रेमेडी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।